नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूं। और प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो 20x45 में होने वाली है, यानी कि 100 गज का होने वाला है। ये जो है यहां पर आप देख रहे हैं, ये दोनों ही फुली डुप्लेक्स यहां पर आज को मैं दिखा रहा हूं, सॉरी सेमी डुप्लेक्स में आज आपको दिखा रहा हूं, जो कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं। और फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ फेसिंग का ये मकान होने वाला है। फ्रंट एलिवेशन आपने देखा, कितने खूबसूरत तरीके का फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। साथ ही पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कॉलोनी होने वाली है, जैसे कि आप इस तरफ देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड कॉलोनी होने वाली है। पूरी बसावट यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और साथ ही मैं इसके प्राइस की बात करूँगा, साथ ही डायमेंशन की बात करूँगा, सारी ही बातें करूँगा। लेकिन वीडियो में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहीं से एंट्री हो जाती है इसकी, जो कि मेन एंट्रेंस आपको कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ यहाँ पर आपको काफ़ी हैवी मेटल का आपको डोर मिल जाता है, जो कि आयरन का यहाँ पर आपको मिल रहा है। स्टेयर्स यहाँ पर आपको बाहर से दी गई है, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर, साथ ही इसके रूफ पर आपको लेकर के जाती है। यहाँ पर आ जाता है इसका पॉर्च का स्पेस, जो कि काफ़ी स्पेसेस है जहाँ पर आप चाहें तो सेडान कार तक इजीली पार्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर आपको पॉर्च में मिल जाता है। मीटर बॉक्स यहाँ पर आपको दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोबी का स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है गमले वगैरह लगा सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है और इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वाटर टैंक प्रोविज़न यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो कि 5 से 6 हज़ार कैपेसिटी का आपको मिल रहा है। स्टेयर्स यहाँ पर बाहर से दी गई है, जो कि इसकी फर्स्ट फ्लोर पर रूफ पर आपको लेकर के जाती है। यहाँ पर आया था इसका बड़ा सा हॉल, सामने की तरफ आप देखेंगे बड़ा सा हॉल आता है, लेकिन मेन एंट्रेंस में कुछ इस तरीके का आपको डोर दिया गया है, जो कि सनमाइका के साथ में आपको कवर करके दिया गया है। और यहीं पर आया था ये हॉल, ये देखिए कितने स्पेसिस साइज में हॉल मिल रहा है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, फुल सीलिंग का प्यारा सा आपको डिज़ाइन मिल जाता है। प्राइस मैं आपको बता दूं, प्राइस होने वाला है इसका 31 लाख रुपए, वो भी आस्किंग प्राइस है, और कुछ ना कुछ मान सम्मान में बिल्डर के माध्यम से ज़रूर कम किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, डायरेक्टली बिल्डर के नंबर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। नॉर्थ फेसिंग का मकान है, 20x45 के डायमेंशन में होने वाला है। सामने की तरफ देखेंगे टेक्सचर डिज़ाइन आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे वहाँ पर फुल सीलिंग का प्यारा सा आपको डिज़ाइन दिया गया है। हॉल के साइज़ की बात करूँ तो 14x14 का साइज़ यहाँ पर हॉल का मिल जाता है। सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको LED पैनल बना करके दिया गया है, 32 इंच तक के LED इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं सामने की तरफ इस तरफ में। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका कॉमन बाथरूम आपको दिया गया है, जो कि हॉल के साथ में अटैच होते हुए है। और यहाँ पर आया कि यहाँ पर इसका इंडियन शीट वेंटिलेशन का ऑप्शन वहाँ से आपको प्रोवाइड कराया गया है, जैसे प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। टाइल्स काफ़ी हाइट तक है, तो सीलन पपड़ी से रिलेवेंट आपको काफ़ी समय तक ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। फ्रंट साइड में एक रूम है, यहाँ पर आपको वॉश बेसिन लगा करके दिया जाएगा, जो कि आप हैंड वॉश वगैरह इजिली कर सकते हैं। टाइल्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूरी ही वॉल पर आपको मिल जाता है। ये आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का जो साइज होने वाला है 10x12 का साइज होने वाला है। सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको टेक्सचर डिज़ाइन है, AC के सेपरेट पॉइंट्स जिस जगह पर भी आपको जरूरत है। ऊपर की तरफ POP वर्क है, साथ ही यहाँ पर भी जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा होने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका हो रहा है। तो नॉर्थ फेसिंग का मकान है, उत्तर देखता हुआ तो देखिए पूरा वास्तु के हिसाब से बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। मेन रोड से अगर मैं बात करूँ तो मेन रोड से जो दूरी होने वाली है मात्र 600 मीटर के डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी है, जो कि मेन हाथोज बस स्टैंड से अगर मैं बात करूँ तो जो किशोरपुरा रोड है वहाँ पर ये लोकेटेड है और बहुत ही नियर बाय होने वाला है। यहीं से होते हुए मैं आपको किचन की तरफ लेकर के चलूँगा, लेकिन चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये आ जाता है इसका किचन, एल शेप में मिल जाती है किचन। यहाँ पर आपको जो है काउंटर टॉप ग्रेनाइट का लगा करके दिया गया है। इस साइड में सिंक का एरिया है, जहाँ पर आप अपने बर्तन वगैरह इजीली वॉश कर सकते हैं। इस साइड में बड़ा सा विंडो का प्रोविजन है, प्रॉपर कैबिनेट्स ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इस साइड में फ्रिज रखने का स्पेस आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना डबल डोर तक का फ्रिज इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। साइज़ यहाँ पर जो मिलने वाला है आपको 9x10 का साइज़ मिल जाता है। एक बेडरूम जितना साइज़ आपको किचन का दिया गया है, तो आप सोच सकते हैं कितना प्यारा साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके जो कि मास्टर बेडरूम है वहाँ पर, और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्यारा सा देखिए प्यारा सा वर्क आपको मिल जाता है, जो कि इसके वॉल पे टेक्सचर डिज़ाइन है। AC का सेपरेट पॉइंट मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको जो है यहाँ पर भी POP का वर्क है। एक वॉल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये पूरे पे ही देख रहे हैं आप इस तरफ, तो ये वार्डरोब का प्रोविज़न है, जहाँ पर आप जो है कपड़े वगैरह बहुत ही ईजिली रख सकते हैं। ये आ जाता है इसका बाथरूम, और बाथरूम में आप देखिए कितना प्यारा रोशनी कितनी बढ़िया यहाँ पर है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन टाइल्स का भी काफ़ी अच्छा है और प्रॉपर वेंटिलेशन ऊपर से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर फाइबर शीट आपको लगा करके दी गई है। वेस्टर्न शीट यहाँ पर आपको लगा करके दी जाएगी। साइज़ में आपको बता चुका हूँ 20x45 का साइज़ होने वाला है। फ्रंट 20 का है, 45 की डेप्थ होने वाली है। ये इसका बैकयार्ड का एरिया है, यूटिलिटी स्पेस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। 3x10 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है, वहाँ से भी आपको प्रॉपर सनलाइट आ रहा है, देख रहे हैं आप। पूरे ही घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन के साथ में इसे बनाया गया है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर, इसके रूफ पर। मगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा एक आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो JKS आर्किटेक्ट आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, नंबर उनके भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं।
यहाँ पर आप इस तरीके का व्यू यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जो कि इसके पॉर्च का है। यहीं से इसके स्टेयर्स का प्रोविजन आपको मिल जाता है। स्टेयर्स पे भी ग्रेनाइट आपको लगा करके दी गई है, साथ ही टाइल्स वर्क आपको मिल जाता है। यहाँ पर एसएस की रेलिंग है जो कि जिंदल की है। सामने की तरफ में यहाँ पर देखेंगे फिक्स ग्लास के साथ में इसे कवर किया गया है जो कि इसके फ्रंट एलिवेशन का पार्ट है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जो कि छोटी छोटी चीज़ें आपके मकान को घर बनाती हैं वो ये होती हैं। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है आपके। देखिए सर्दियों के समय कूलर काम नहीं आता है तो आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि उसे आप छत पर रखेंगे तो गीला हो जाएगा, जंग वगैरह लग जाती है तो वो दिक्कत होती है, तो उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। और वैसे भी आप देखते होंगे राजस्थान के अंदर लोग बाग गेहूँ अनाज जो अपने खुद ही रखते हैं उसको पिसवाते हैं और बड़ी सी टंकी होती है जहाँ पर वो इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर आती है इसकी रूफ। ऊपर की साइड में भी यहाँ पे हाफ आपको जो है टाइल्स का वर्क है आप देख रहे हैं। ऊपर की तरफ ममटी कैसे निकाल करके दी गई है। बारिश वगैरह आती है तो पानी सीधे आपके घर के अंदर नहीं जाने वाला है। ये आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम जो कि ऊपर के साइड में आपको प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ से स्टेयर्स का प्रोविजन है जो कि इसकी मेन रूफ पर आपको लेकर के जाता है। आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया देख लीजिए किस तरीके का आपको मिल रहा है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर आ जाता है ये इसका थर्ड बेडरूम। साइज की बात करूँ 10x12 का साइज है। सामने की साइड में इस तरफ भी आपको टेक्सचर डिजाइन, ऊपर की साइड एसी का सेपरेट पॉइंट, जस्ट उसके ऊपर देखेंगे पीओपी का वर्क है। एक तरफ आपको सामने की तरफ बड़ी सी विंडो का प्रोविजन है, पूरा उजाला है, पूरी नेचुरल लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है। लाइट जलाने की अधिक जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, और जब लाइट नहीं जलाएंगे तो बिजली का बिल कम आएगा, और बिजली का बिल कम आएगा तो पैसा बचेगा। तो पैसा बचाना किसे अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा लगता है। एक बड़ी सी बालकनी आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि लगभग 4.5 फीट की बालकनी यहाँ पर आपको दी गई है। आगे से भी पूरा सराउंडिंग एरिया देख लीजिए किस तरीके का आपको मिल रहा है। नॉर्थ फेसिंग का है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ये कहते थे कि नॉर्थ फेसिंग में हमें कुछ प्यारा सा विला दिखाइए, तो ये देखिए मैंने आपके लिए आज लेकर के आ गया हूँ। नॉर्थ फेसिंग में 20x45 के डायमेंशन में 100 गज में बना हुआ एक प्यारा सा खूबसूरत सा नक्शा, एक प्यारा सा सेमी डुप्लेक्स। कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। प्राइस होने वाला है मात्र 31 लाख रुपए, 20x45 के डायमेंशन में। साथ ही यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी चल रही है 2,67,000 रुपए की वो भी आपको मिल जाती है। तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डायरेक्टली बिल्डर के प्रोवाइड करा दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही स्क्रीन पर, वहां जाकर के आप डायरेक्टली बिल्डर को कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।